अगर आप गॉस एलिमिनेशन मेथड के जरिए सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करना चाहते हैं स्टेप बाय स्टेप बाय यूजिंग मैटलैब या फिर ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को एसएनएल फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, ये वीडियो उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए जो कि मैटलैब को पहली दफ़ा इस्तेमाल कर रहे हैं, और अगर आपके पास मैटलैब सॉफ्टवेयर नहीं है तो आप ऊपर दिए गए लिंक के जरिए मैटलैब इंस्टॉलेशन ट्यूटोरियल को देख सकते हैं, और इस ट्यूटोरियल के अंदर मैटलैब के सॉफ्टवेयर को कैसे डाउनलोड करना है और उसको कैसे स्टेप बाय स्टेप इंस्टॉल करना है ये तमाम डिटेल्स मौजूद हैं। आज की इस लेक्चर में हम सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को गॉस एलिमिनेशन मेथड के मैटलैब कोड के जरिए स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम गॉस एलिमिनेशन मेथड के मैटलैब कोड को डाउनलोड करेंगे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको एक लिंक गिवन है, उसको कॉपी करें और उसे ब्राउजर में पेस्ट करें, और इस गॉस मेथड की फाइल को आप डाउनलोड कर लें। ओके, नेक्स्ट आपने क्या करना है, नेक्स्ट इज कि आपने मैटलैब सॉफ्टवेयर को ओपन करना है और ये जो एड्रेस बार लिखा हो इसके ऊपर आप क्लिक करें और एड्रेस को आप कॉपी कर लें, और आप किसी भी फोल्डर को ओपन करें और उस फोल्डर के एड्रेस बार के अंदर इसे पेस्ट कर दें एंड देन प्रेस एंटर। आपके पास मैटलैब का ये फोल्डर ओपन हो जाएगा। आपने चूंकि पहली दफ़ा इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपके पास ये एम्प्टी होगा, और अगर आपने सॉफ्टवेयर पहले इस्तेमाल किया हुआ है तो मेरी तरह यहाँ पर आपको कुछ फाइल्स नज़र आ रही होंगी। देन आपने जाना है डाउनलोड्स में और जो गॉस मेथड की फाइल है उसको कट करें और उसे मैटलैब के फोल्डर में पेस्ट कर दें। आफ्टर दैट जब आप मैटलैब सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे तो आपको इधर लेफ्ट साइड पर करंट फोल्डर की विंडो के अंदर वो गॉस मेथड की फाइल नज़र आ जाएगी। इसका मतलब है कि अब वो फाइल हमारे पास आ गई है। तो चलें सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, यू हैव टू राइट गॉस अंडरस्कोर मेथड। स्पेलिंग का ध्यान रखना है, जैसे फर्स्ट लेटर कैपिटल है और बाकी तमाम स्मॉल, एंड सेंटर में ये हमारे पास अंडरस्कोर है। इसको लिख कर आप एंटर प्रेस करें तो आपके पास ये इंटरफेस अपीयर हो जाएगा, सॉल्विंग द सिस्टम ऑफ इक्वेशन यूजिंग गॉस एलिमिनेशन मैथड। In this method, we convert the augmented matrix in HLN form. Enter the matrix A. And suppose हमने इस system of equation को solve करना है, तो पहला हमारा काम क्या होता है, जब भी हमने किसी system of equation को solve करना होता है, we have to convert it into matrix form. अब जब हमारे पास ये matrix form आ गई है, तो अब इस matrix A को हमने लिखना किस तरह? तो इसके लिए सबसे पहले you have to press square bracket and then space. अब आप first row की values को लिख लें, और वैल्यू लिखने के बाद आपने सेकंड वैल्यू से पहले स्पेस एंटर करनी है। तो जैसे हमारे पास फर्स्ट रो की वैल्यूज हैं 2, एंड देन नेक्स्ट वैल्यू के से पहले हम स्पेस लगाएंगे एंड देन -2, देन अगेन स्पेस 2। अब हमने नेक्स्ट रो पे जाना है तो वी हैव टू प्रेस एंटर, और अब आप सेकंड रो की वैल्यूज लिखें -3 स्पेस 6 स्पेस 0, एंड अगेन नेक्स्ट रो पे जाना है तो वी हैव टू प्रेस एंटर एंड देन 1 -7 एंड 10 एंड ब्रैकेट क्लोज एंटर। उसके बाद आपके पास आ जाएगा एंटर द मैट्रिक्स बी। आप मैट्रिक्स बी की वैल्यूज लिखें, सेम प्रोसेस स्क्वायर ब्रैकेट 1, अब चूंकि हमने नेक्स्ट रो पे जाना है तो वी हैव टू प्रेस एंटर -1, ओप्स मैंने गलती से -2 लिख दिया, आप बैक स्पेस लगाकर इसे करेक्ट भी कर सकते हैं -1 एंड देन एंटर 2 ब्रैकेट क्लोज एंड देन प्रेस एंटर। ले जी आपका सवाल हल हो गया। इधर से कर्सर को ऊपर लेकर जाएं। सो सबसे पहले ये आपको ऑगमेंटेड मैट्रिक्स दिखाएगा, जिसके अंदर हमारे पास शुरू के अंदर मैट्रिक्स ए आ रहा है और उसके साथ ही हमने इसे ऑगमेंट किया हुआ है मैट्रिक्स बी को। तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है हमारे पास गॉस एलिमिनेशन मेथड का, कि अगर आपके पास फर्स्ट कॉलम के अंदर कहीं पर भी 1 आ रहा है तो आप उस रो को फर्स्ट रो के साथ एक्सचेंज कर लें। जैसे कि यहाँ पर थर्ड रो पर हमारे पास 1 आ रहा है तो हमारे मैटलैब कोड ने रो को स्वैप कर दिया, स्वैपिंग रो 3 विद आर 1। तो दिस इज आवर फर्स्ट स्टेप। देन उसके बाद जब हमारे पास पिवट एलिमेंट आ गया है तो उसके नीचे जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं उनको 0 बनाना है। तो स्टेप बाय स्टेप हम करेंगे, रो 2 को पहले हम 0 बना रहे हैं, आर 1 को -3 से मल्टीप्लाई किया है और रो 2 में से माइनस कर दिया। ओके जी, वी हैव ऑल द वैल्यूज। नेक्स्ट उसके बाद थर्ड एलिमेंट को हमने 0 करना है तो R3 में से हमने 2R1 को माइनस किया एंड दीज आर द वैल्यू।
इसी तरह अब हम नेक्स्ट पिवट एलिमेंट की तरफ जाएंगे विच इज 15। अब इस पिवट एलिमेंट के डाउन में जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं उसको हमने जीरो करना, तो उसके लिए हमने आर टू को 4/5 -4/5 से मल्टीप्लाई किया है और आर थ्री में से माइनस कर दिया, तो वी गॉट द रिजल्ट। तो जस्ट आपने करना क्या है, इधर से सारा जो वैल्यूज हैं जस्ट कॉपी पेस्ट करनी है अपने सोल्यूशन में या वर्ड के अंदर व्हाटएवर जो भी आप मीडियम यूज कर रहे हैं। ओके, ये तो था कि एक 3x3 के सिस्टम को हमने सॉल्व किया। तो ये जो कोड है ये आपको किसी भी सिस्टम को सॉल्व करने में मदद दे सकता। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि जरूरी तो नहीं कि हर दफ़ा नंबर ऑफ इक्वेशंस और नंबर ऑफ वेरिएबल्स बराबर हों, तो क्या ये प्रोग्राम किसी रेक्टेंगुलर सिस्टम को सॉल्व कर देगा? तो इसे भी चेक कर लेते हैं। तो राइट अगेन द फाइल नेम Gauss_elimination, और अगर आप फाइल का नेम गलत लिख देंगे तो आपके पास एरर आ जाएगा। तो सबसे पहले हम अगेन चेक करते हैं, हमारी फाइल का नाम है गॉस मेथड, तो वी विल राइट Gauss_method, इस चीज़ का ध्यान रखना है। ओके जी, हमारे पास रेक्टेंगुलर सिस्टम जो है ये हमारे पास स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। हियर द नंबर ऑफ वेरिएबल्स आर 4 एंड द नंबर ऑफ इक्वेशंस आर 3। तो अब देखते हैं कि हमारे पास रिजल्ट क्या आता है। अगेन मैट्रिक्स से ब्रैकेट, फर्स्ट रो वैल्यूज 1 (2) -4 (-4), एंटर। नेक्स्ट रो वैल्यूज 2 (5) -9 (-10), एंटर। नेक्स्ट रो वैल्यूज 3 (-2) 3 एंड 11, ब्रैकेट क्लोज। अब हमने मैट्रिक्स बी को लिखना है, अगेन स्क्वायर ब्रैकेट 5 (9) 17। सो दिस इज आवर रिजल्ट, आप इसको देख सकते हैं। सबसे पहले ऑगमेंटेड मैट्रिक्स आया, पहले ही हमारे पास पिवट एलिमेंट 1 है तो प्रोसेस स्टार्ट हो गया। सेकंड रो को हमने जीरो कर दिया फर्स्ट एलिमेंट को, इसके बाद हमने थर्ड रो के फर्स्ट एलिमेंट को जीरो किया। नेक्स्ट हमारे पास पिवट एलिमेंट अगेन 1 आ गया, तो हमने उसके बाद थर्ड रो के एलिमेंट को जीरो कर दिया एंड दिस इज आवर सॉल्यूशन। तो चाहे आपके पास सिस्टम जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स की फॉर्म में आ रहा है या रेक्टेंगुलर फॉर्म में आ रहा है, आप हर तरह के सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। और अगर से फॉर एग्जाम्पल आपको ऑगमेंटेड मैट्रिक्स गिवन है, आपको सिस्टम ऑफ इक्वेशन नहीं दी गई, जस्ट सिंपल ऑगमेंटेड मैट्रिक्स दिया है, तो जस्ट क्या करना है, आपने उसके लास्ट कॉलम को मैट्रिक्स बी में लिख लें और उससे पहले जितने भी कॉलम्स उसको मैट्रिक्स ए में लिख लें, तो ऑटोमेटिकली आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसी तरह मैटलैब के अंदर आप गॉस जॉर्डन मेथड के जरिए भी सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, जिसके अंदर हम एचएलएन फॉर्म की बजाय रिड्यूस्ड एचएलएन फॉर्म बनाते हैं। और अगर आप लोग चाहते हैं कि उसका कोड भी बनाया जाए तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें और इस वीडियो को लाइक करें। आपके लाइक्स और कमेंट्स इस बात को बताएंगे कि आप उस कोड को कितना चाहते हैं। और अगर आपको इस वीडियो में कोई कन्फ्यूजन है दैन फील फ्री टू कॉन्टैक्ट, आप कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन पोस्ट कर दें, मैं सून एज पॉसिबल उसका रिप्लाई कर दूँगा। थैंक यू वेरी मच।